सुगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। किसी गमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैंने जो शब्द कहे थे, चुरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चुरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन साथियों, आपको याद होगा, हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे। इसी गमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की खुली छूट दे दी।
आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है।